नमस्ते। अच्छे स्वास्थ्य को चाहने वाले साथियों, मैं यहाँ अजमेर में हूँ, एक शहर जो अपनी रिच हिस्ट्री और कल्चर के लिए जाना जाता है। लेकिन आज हम सचमुच किसी अनोखी और परिवर्तनकारी चीज को देखने जा रहे हैं। राजस्थान के जिंदा दिल वातावरण के बीच स्थित आयुर्वेदिक उपचार की सेंचुरी दिव्य आयुर्वेदिक अस्पताल में आपका स्वागत है। ऐसी दुनिया में जहाँ जिंदगी की तेज स्पीड की वजह से अक्सर हम अपने मूल स्वरूप को वापस लाने के लिए तरसते हैं, दिव्य आयुर्वेदिक अस्पताल ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट के ओएसिस के रूप में खड़ा है। पंचकर्म और मिट्टी की चिकित्सा की सदियों पुरानी प्रथाओं से लेकर दिलचस्प जोंक चिकित्सा और शिरोधारा तक, ये वो जगह है जहाँ प्राचीन ज्ञान आधुनिक स्वास्थ्य से जाकर मिलता है। यह हमारा सफर ट्रांसफॉर्मेशन, बैलेंस और तालमेल के रहस्यों को उजागर करेगा। हम नस्यम के कोमल स्पर्श और कटिवस्ती के सुखद आराम के गवाह बनेंगे, जो आपके शरीर, दिमाग और आत्मा को पोषण देने के लिए डिजाइन किया गया है। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम आयुर्वेदिक के एवरग्रीन आर्ट की खोज करते हुए एक संपूर्ण यात्रा पर निकल रहे हैं। आकर्षक और ज्ञानवर्धक अनुभव के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ दिव्य आयुर्वेदिक अस्पताल में स्वास्थ्य सिर्फ एक मंजिल नहीं है, ये एक दिल को छूने वाली यात्रा है। आइए यहाँ अजमेर में आयुर्वेदिक के जादू में गोता लगाएं। अच्छा सोचो, आयुर्वेद सोचो, अच्छा सोचो, आयुर्वेद सोचो। तुम्हें नींद नहीं आना, बेचैनी रहना, हाइपर हो जाना ज्यादा, ठीक है, अनइवन महसूस करना, पसीना ज्यादा आना, दैट्स द रीजन फॉर डिपेंडिंग ऑन सर्वाइकल बोन्स। सर्वाइकल में जहां भी C1 से लेकर C7 तक कहीं भी हमारे बोन्स में कहीं गैप है या ओवरलैपिंग है, उसको दूर करने के लिए जो है गर्दन में ये ट्रैक्शन देता है। बोन्स को अपने वापस भी सेटिंग करके, एडली जॉइंट्स को अपने वापस फिलअप करके, जिससे सीधा ब्रेन के ऊपर न्यूरो पर काफी रिलैक्स होता है। इससे स्पाइनल पूरी रीढ़ की हड्डी में भी जहाँ भी हमारे कहीं ओवरलैपिंग होता है, दर्द होता है, उसको वापस खींच करके वापस अपनी जगह सेट करती है। सेम इसी प्रकार से लंबर कमर के नीचे के जो पोर्शन है उसको भी सेम ट्रैक्शन देने के बाद, पैरों से पूरा देकर ट्रैक्शन दिया जाता है उसको मशीन में, और उसको अपनी पोजीशन पे सेट किया जाता है। ये प्रोसेस 10 दिन 15 दिन 11 दिन पेशेंट्स की इम्यूनिटी के ऊपर और पेशेंट्स की बीमारी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या प्रॉब्लम है आपको? भूख नहीं लगती थी, पेट में गड़बड़ रहती थी। अच्छा, काफी सुधार लग रहा है। अच्छा, एलोपैथी भी लिया था पर कहीं फर्क नहीं पड़ा, यहाँ अच्छा लगा। मेरे को ये क्या है, मेरे इधर जो पाँव की जो नसें है ना, नसें वीक हो गई है मेरी बहुत, और उस वजह से क्या है, रह रहे के दर्द उठता है, फिर दर्द थोड़ा ये कम हो जाता है अपने आप, और पीठ में भी जैसे बैठती हूँ ना तो बहुत थक जाती हूँ, फिर लेट जाती हूँ। अच्छा। हाँ, और हाथ जैसे कोई भी काम करती हूँ तो सब्जी काटू या कुछ तो हाथ थक जाते हैं। अच्छा। तो आज आपको पहला दिन था? हाँ। थोड़ा बहुत आपको फर्क आया क्या? हाँ, हाँ, बहुत कुछ फर्क है। अच्छा, हाँ। कोई की क्या वजह है? वजह तो सर ये थी, मुझे पंचकर्मा लेना था क्योंकि मेरी बॉडी में पेन था और माइंड भी थोड़ा रिलैक्स नहीं था, है तो मुझे बैक पेन में बहुत रिलीफ है और टेंशन जो था ना वो भी मेरा काफी कम। अच्छा, तो आप यहाँ पर आते हुए कितना टाइम हुआ? 2-3 दिन। मैं पिछले 7 दिन से आ रही हूँ यहाँ पे और कंटिन्यू पंचकर्मा ले रही हूँ। दिव्य आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में स्कूल के बच्चे और संस्थानों के कर्मचारी आयुर्वेद का ज्ञान लाभ प्राप्त करते हैं और इसकी प्राचीन समृद्ध जीवन शैली अपनाने का प्रयास करते हैं। स्वस्थ जीवन जीने की चाह रखने वाले यहां के वातावरण में योगा का लाभ उठाते हैं। आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान के सिद्धांत और जीवन में उसके महत्व को समझाने के लिए ज्ञानी शख्सियत को बुलाया जाता है, जो हेल्थ, बैलेंस और जीवन पर मूल्यवान दृष्टि प्रदान करते हैं। अब अनुभव करते हैं कटिवस्ती के चमत्कारों का। इसमें मेडिकेटेड तेल को लंबर यानी कमर के निचले हिस्से पर लगाया जाता है, इससे लंबर स्पोंडिलोसिस और साइटिका रीढ़ की हड्डी का इलाज होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, जाम मांसपेशियों को लचीला बनाती है, वात दोष ठीक करती है, नसों में सुन्नपन और झंझनाहट को दूर करती है। फायर कपिंग आयुर्वेद का पंचकर्म ट्रीटमेंट है, जिसमें हीट की मदद से कांच के कप में वैक्यूम बनाया जाता है। इससे पीठ दर्द, गर्दन दर्द, स्टिफ मांसपेशियों का इलाज होता है। ये टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, सर्कुलेशन सुधारता है, खांसी जुकाम हाजमा ठीक करता है, इससे स्किन हेल्थी होती है और ये एनर्जी फ्लो को भी बैलेंस करता है।
अब एक्यूप्रेशर हिजामा वैक्यूम कपिंग के रहस्यों को खोलते हैं। स्किन पर रखे गए कपों में एक वैक्यूम बनाया जाता है। डॉट ये पीठ और गर्दन मांसपेशियों, स्ट्रेस और टॉक्सिन्स का इलाज करता है। स्किन एनर्जी फ्लो, इम्यूनिटी, सर्कुलेशन सुधारता है। ये है प्राचीन आयुर्वेदिक अग्निकर्मा, जिसमें हर्बल मेडिकेटेड निडल को बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। इससे आर्थराइटिस, मांसपेशियों का दर्द और जॉइंट के दर्द को असरदार ढंग से ठीक किया जाता है। ब्लड सर्कुलेशन, हाजमा, इम्यूनिटी, गायनोलॉजिकल इश्यू, स्ट्रेस का इलाज किया जाता है। ये बॉडी में एनर्जी फ्लो को भी बैलेंस करता है। लीच थेरेपी, जिसे जालुका के नाम से भी जाना जाता है, आयुर्वेद में अद्वितीय और पारंपरिक उपचारों में से एक है। लीच थेरेपी खून से जहर और गंदगी निकालकर उसको प्यूरिफाई करती है, ब्लड सर्कुलेशन सुधारती है, जोड़ों की बीमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटाइड आर्थराइटिस को ठीक करती है, सूजन खत्म करती है, सोरियसिस, एक्सेमा और मुहासे का इलाज करती है, माइग्रेन और सर दर्द को ठीक करती है, वेरिकोज वेन का इलाज करती है, इन्फेक्शन और बीमारी के प्रति इम्यूनिटी बढ़ाती है। शिरोधारा आयुर्वेद में एक प्रसिद्ध पंचकर्म ट्रीटमेंट है, जिसमें माथे और सिर पर लगातार गर्म औषधीय तेल या अन्य तरल पदार्थ डाला जाता है। शिरोधारा स्ट्रेस, नींद ना आना, कंसंट्रेशन, मूड स्विंग, माइग्रेन और सर दर्द का जाना माना इलाज है। इससे बाल और स्किन हेल्थी होते हैं। ये उम्र बढ़ने की स्पीड को कम करता है और वात दोष और टॉक्सिन्स को दूर करता है। ये क्वांटम रेजोनेंस मैग्नेटिक एनालाइजर है। ये एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो शरीर की कोशिकाओं से कमजोर मैग्नेटिक वेव्स को कलेक्ट करके साइंटिफिक एनालिसिस करता है और मरीज का कंप्लीट हेल्थ चेकअप करता है। दिव्य आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की उदारता आयुर्वेद के सिद्धांत और मूल्यों से मेल खाती है और इंसान के जन कल्याण के प्रति संतोष दिवाकर जी के ईमानदार संकल्प को रेखांकित करती है। आयुर्वेदिक चमत्कारों की इस खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अधिक समृद्ध रोमांचों के लिए बने रहें और अगली बार तक याद रखें, अच्छा स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं है, यह एक आजीवन यात्रा है और यह यहीं अजमेर में दिव्य आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से शुरू होती है।